मॉनिट्री पॉलिसी एंड द फिक्सड एक्सचेंज रेट आज हम बात करेंगे कि फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में किस तरह से मॉनिटरी पॉलिसी को यूज़ किया जा सकता है क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं द बेस्ट वे फॉर अ कंट्री टू मेक द फंडामेंटल वैल्यू ऑफ अ करेंसी इक्वल द ऑफिशियल रेट इस थ्रू द यूज़ ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी लास्ट मॉड्यूल में हमने देखा था कि जो ऑफिशियल रेट है इट कैन भी डिफरेंट फ्राम द फंडामेंटल वैल्यू फंडामेंटल वैल्यू कहाँ से डिटर्मन होती है बाई द डिमांड एंड सप्लाई ओके सो अगर फंडामेंटल वैल्यू ऑफिशियल रेट से डिफरेंट है तो इसको इक्वल करने के लिए द बेस्ट पॉसिबल हमने डिफरेंट ऑप्शन आपको याद होगा लास्ट मॉड्यूल में हमने बात की थी कि क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं डिवेल्यूएशन की उसमें ऑप्शन अवेलेबल थी हमने उसे डिस्कस किया और किस तरह से रिस्ट्रिक्ट करके सप्लाई को अगर ओवर वैल्यूड है तो उसको हम इक्ल uh, कर सकते हैं और इस तरह हमने वहाँ पर डिटेल में इस पर बात की थी बट द बेस्ट वे फॉर अ कंट्री टू मेक द फंडामेंटल वैल्यू ऑफ अ करेंसी इक्वल द ऑफिशियल रेट इज थ्रू द यूज ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी ये इक्वेशन अगर आप देखें इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि नॉमिनल जो एक्सचेंज रेट है दिस इज इक्वल टू द रियल एक्सचेंज रेट मल्टीप्लाइड बाई द प्राइस लेवल ऑफ फॉरन कंट्री डिवाइड बाई द प्राइस लेवल डोमेस्टिकली सो नॉमिनल एक्सचेंज रेट का फिर डोमेस्टिक प्राइसिस के साथ क्या रिलेशनशिप बन रहा है इनवर्स रिलेशनशिप बन रहा है कि डोमेस्टिकली अगर प्राइस इंक्रीज़ करेंगी तो उसके नतीजे में नामिनल एक्सचेंज रेट जो है ये कम हो जाएगा और अगर प्राइस कम होंगी तो नामिनल एक्सचेंज रेट में इजाफा हो जाएगा और मनी सप्लाई को जब हम इंक्रीज़ करते हैं तो उसमें हम जानते हैं प्राइस में इजाफा हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मनी सप्लाई को बढ़ा कर हम नामिनल एक्सचेंज रेट जो है ये इसके नतीजे में कम हो जाएगा इनवर्स रिलेशनशिप है सो इन अंजियन मॉडल अ मोनिट्री कॉन्ट्रेक्शन काजेज़ अ रियल एक्सचेंज रेट एंड एज वेल एज नामिनल एक्सचेंज रेट अप्रिसिएशन इन द शॉर्ट टर्म के मनी को जब मनी सप्लाई को कम करके ठीक है तो रियल और नॉमिनल एक्सचेंज रेट को शॉर्ट टर्म में उस कि उसको अप्रीसीएट किया जा सकता है एंड अ नॉमिनल एक्सचेंज रेट एप्रिसिएशन इन द लॉन्ग रन विद नो लॉन्ग रन इफेक्ट ऑन द रियल एक्सचेंज रेट एंड कन्वर्सली मॉनिटरी एक्सपेंशन के नतीजे में क्या होगा कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट डेप्रीसीट कर जाएगा बोथ इन द शॉर्ट रन एंड इन द लॉन्ग रन सो प्लाटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द मनी सप्लाई एंड द नॉमिनल एक्सचेंज रेट शो The level of the money supply for which the fundamental value of the exchange rate equals the official rate. इस equation को हम यूज़ करके ये बात हम समझते हैं विद the help of this diagram कि official exchange rate suppose fixed है और ये जो horizontal line है ये आपका official exchange rate को शो करी okay और fundamental value जो है ये horizontal axis पर money supply और वर्टिकल एक्सेस पर नामिनल एक्सचेंज रेट सो फंडामेंटल वैल्यू का मनी सप्लाई के साथ अभी हमने देखा उस इक्वेशन की मदद से नेगेटिव रिलेशनशिप है कि मनी सप्लाई में इजाफा होगा प्राइसिस में इजाफ़ा होगा और प्राइस में इजाफा जो है वो फंडामेंटल वैल्यू जो एक्सचेंज रेट की उसमें कमी का ज़रिया बनेगा सो इट इज़ अ नेगेटिवली स्लोप्ड कर् सो ये ऑफिशियल एक्सचेंज रेट को फंडामेंटल वैल्यू जो है एक्सचेंज रेट ये इंटरसेक्ट कर रहा है जिस पॉइंट पर ये डिटरमिन हो रहा है कि व्हाट व्हाट शुड बी द मनी सप्लाई एम वन शुड बी द मनी सप्लाई इस एम वन मनी सप्लाई पर आपका जो ऑफिशियल रेट उसकी फंडामेंटल वैल्यू ये दोनों आपस में बराबर है अगर मनी सप्लाई एम वन से कम है तो इसके नतीजे में क्या होगा कि आपके फंडामेंटल वैल्यू ज़्यादा है और ऑफिशियल एक्सचेंज रेट आपका कम है तो इसका मतलब ये कि आप जो करेंसी है ये अंडर वैल्यूड है इसका जो ऑफिशियल रेट है वो इसकी जो ट्रू वैल्यू से कम है और इसी तरह अगर मनी सप्लाई एम वन से ज़्यादा है आप इस इस किसी रीजन में मनी सप्लाई है तो इस पोर्शन में क्या है कि फंडामेंटल वैल्यू कम है मनी सप्लाई के इजाफे से अभी मैंने आपको बताया प्राइस में इजाफा होगा फंडामेंटल वैल्यू में कम ही हो जाएगी और ऑफिशियल एक्सचेंज रेट अगर वही वाला है तो ये करेंसी ओवर हो जाएगी तो ये एक एम वन लेवल है जिस पर फंडामेंटल वैल्यू और ऑफिशियल रेट्स आपस में बराबर हैं मॉनिटरी पॉलिसी एंड द फिक्स एक्सचेंज रेट अ हायर मनी सप्लाई देन द लेवल ऑफ मनी सप्लाई फॉर विच द फंडामेंटल वैल्यू ऑफ द एक्सचेंज रेट इक्वल द ऑफिशियल रेट यील्स एंड ओवर वैल्यूड करेंसीज अभी हमने देखा कि राइट साइड पर मनी सप्लाई इजाफा है तो करेंसी आपकी ओवर वैल्यूड है और लोअर मनी सप्लाई यील्स एंड अंडर वैल्यूड करेंसी

मनी सप्लाई में वो अगर इजाफा करना चाहता है तो इट कैन नाट बी डन इन दिस केस यूजिंग एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी टू फाइट अल लीड टू एन ओवर वैल्यूड अगर वो ऐसा करेगा कि रिसेशन को डील करने के लिए वो मॉनिटरी एक्सपेंशन यूज़ करेगा तो उसके नतीजे में और एक्सचेंज रेट उसका फ़िक्स है तो उसकी करेंसी ओवर वैल्यूड हो जाएगी और ओवर वैल्यूड करेंसी होने के हमने कॉन्सिक्वेंस देखे कि उसके जो ऑफिशियल रिजर्वस हैं वो उसके काम होते चले जाएंगे सो ओबियसली उसे लॉन्ग रन में उसको नहीं फॉलो uh, किया जा सकता सो अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मॉनिटरी पॉलिसी कैन नॉट बी यूज फॉर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलाइजेशन। हाउवर अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज मे बी एबल टू कोऑर्डिनेट देयर यूज ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी कि एक शख्स तो एक कंट्री जो है वो तो मॉनिटरी पॉलिसी को यूज नहीं कर सकता ठीक है स्टेबलाइजेशन के लिए क्योंकि अगर वो रिसेशन में मनी सप्लाई में इजाफा करेगा उसकी करेंसी ओवर वैल्यूड हो जाएगी और उसके रिजर्व्स कम होना शुरू हो जाएंगे लेकिन एज ए ग्रुप जो मुल्क हैं मुख्तफ वो अगर मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ चलेंगे दैन दे कैन यूज़ दिस मॉनिटरी पॉलिसी इसको हम इसी क्वेश्चन की मदद से भी समझ सकते हैं कि ये पी जो है ये डोमेस्टिक प्राइस लेवल है और ये पी जो है ये फॉरन प्राइस लेवल है तो अगर तो सिर्फ डोमेस्टिकली आप मॉनेटरी एक्सपेंशन यूज़ कर रहे हैं तो प्राइसेस के बढ़ने से आपकी करेंसी ओवर वैल्यू हो जाएगी लेकिन इसके साथ ही अगर आपके जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो भी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ कर रहे हैं तो ये ये प्राइस में इजाफा और उसके साथ उनकी प्राइसिस में भी इजाफे से ये ये दोनों नीमनेटर नामिनेटर में इजाफ़े ये एक दूसरे को ऑफसेट कर देंगे और इस तरीके से वो मनी सप्लाई इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और अपनी जो नामिनल एक्सचेंज रेट है उसको भी फंडामेंटल वैल्यू के इक्वल रख सकते हैं सो इफ़ टू कंट्रीज इंक्रीज देयर मनी सप्लाई टूगेदर टू फाइंड जॉइंट रिसेशन देयर नीड नॉट बी एन ओवर वैल्यूएशन दोनों मुल्कों का अगर प्रॉब्लम यह है कि उनमें रिसेशन है और उसको वो रिमूव करने के लिए मॉनेटरी एक्सपेंशन करें दोनों जॉइंटली तो फिर उसके नतीजे में वो जो प्रॉब्लम पैदा हो रहा था ओवर वैल्यूशन का उसको अवॉइड किया जा सकता है

उसके नतीजे में मॉनिटरी पॉलिसी को यूज़ किया जा सकता है रिसेशन को डील करने के लिए लेकिन इसके बगैर नहीं किया जा सकता है। उसके नतीजे में अभी इक्वेशन की मदद मतलब से आपको बताया कि जब दूसरा मुल्क भी मॉनिटरी एक्सपेंशन यूज़ कर रहा है तो फिर ये ये जो ये जो कर्व है फंडामेंटल वैल्यू का ये अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और पहले अगर एम वन मनी सप्लाई पर ये फंडामेंटल और उसकी ऑफिशियल वैल्यूज आपस में बराबर थी तो इस कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के नतीजे में अब एम टू पर यह बराबर हो जाए इसका मतलब मनी सप्लाई को इंक्रीज किया जा सकता है ताकि रिसेशन को ओवरकम किया जा सके सो ओवरऑल फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स कैन वर्क वेल इफ़ द कंट्रीज इन द सिस्टम हैव सिमिलर मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स एंड कैन कोऑर्डिनेट चेंजेस इन मॉनेटरी पॉलिसी फिक्स एक्सचेंज रेट उसी वक्त बेहतर काम करेगा जब उस ग्रुप में जिन कंट्रीज़ का फिक्स एक्सचेंज रेट है ठीक है उनके मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स उनके मैक्रो इकोनॉमिक गोल सिमिलर हैं उनके बिजनेस साइकिल्स के पैटर्न सिमिलर सिमिलर हैं और वो कोऑर्डिनेट करते हैं अपनी चेंजेस के लिए मॉनेटरी पॉलिसी की बट द फेलियर टू कोऑपरेट कैन लीड टू सीवियर प्रॉब्लम लेकिन फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में अगर कोई एक मुल्क सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी को यूज़ करना चाहेगा बाकी उसके साथ अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे तो ऑबियसली देन जो चेंज करेगा उसके सिवियर कौनसे कौन से फेस करना पड़ेंगे थैंक यू